गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई होप यू आर फाइन। टुडे आई विल टीच यू नंबर ज़ीरो। ओके, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड अंडरस्टैंड। आई विल टीच यू द नंबर, दैट नंबर इज ज़ीरो। हेयर आर टू बॉयज, हेयर आर टू बॉयज। ओके, बोथ बॉयज हैव फोर बलून्स। Both boys have four balloons. Each one has complete four balloons. Each one has complete four balloons. But another boy's balloons have burst. That means he has zero balloons. बच्चों देखिए, यहाँ दो लड़के हैं। एक लड़के के पास फोर बलून्स, बिल्कुल कंप्लीट फोर बलून्स हैं, लेकिन दूसरे बच्चे के पास पूरे बलून्स फूट गए हैं। दैट मीन्स इसके पास कोई बलून्स नहीं बचा, मीन्स ज़ीरो बलून्स है। ओके, सी हियर, दीज आर टू मंकी। दिस मंकी हैज़ टू बनाना एंड अनदर मंकी हैज़ टू बनाना, बट अनदर मंकी हैज़ ईटन। नाउ अनदर हैज़ नो बनाना, मीन्स ज़ीरो। यहाँ देखिए, यहाँ दो मंकी है, दो बंदर हैं। एक के पास दो बनाना है जो उसने नहीं खाए हैं, दूसरे मंकी के पास भी दो बनाना है बट उसने दोनों खा लिए, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसके पास ज़ीरो ज़ीरो बनाना बचे हैं क्योंकि उसने दोनों को खा लिया है। सी हियर, द नंबर दैट कम्स बिफोर वन इज ज़ीरो। वन के बिफोर में जो नंबर आता है वो क्या होता है? ज़ीरो। ओके, ज़ीरो मीन्स नथिंग, ज़ीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। द न्यूमरल फॉर ज़ीरो इज ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब क्या होता है? ज़ीरो। सी हियर, हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन ईच बाउल। अब आपके पास यहाँ दो बाउल हैं, अब इसमें देखना है कि आपके एक बाउल में कितने फ्रूट्स हैं और दूसरे बाउल में क्या है। तो यहाँ देखिए, इस बाउल में कितने फ्रूट हैं? वन टू थ्री, थ्री फ्रूट हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे थ्री। ओके, लुक हियर, इस बाउल में देखिए कोई फ्रूट्स हैं क्या? नो, दिस इज एम्प्टी बॉल। ओके, तो यहाँ कुछ भी फ्रूट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ ज़ीरो, ये बिल्कुल खाली है, इसका मतलब है ये ज़ीरो, इसे हम बोलते हैं ज़ीरो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।